रही हूँ कि आप लोग सिर्फ बात नहीं करते, साहित्य पढ़ते भी होंगे। सुनाई तो दे रहे हैं ना। ये पुस्तक जब मुझे मेरे हाथ में आई तो दो तीन सवाल मेरे दिमाग में आए, बहुत मामूली से। पहले तो सुरखाब के पर होते हैं मुहावरे में, तो उसमें क्या खास बात है, क्या सुरखाब के पर लगे? तो अल्पना मिश्र ने पर को पंख क्यों किया मालूम नहीं, मुझे लगा था अपने वक्तव्य में वो बतलाएंगी, मगर उन्होंने बतलाया नहीं, उन्होंने सुरखाब के पर की तरह ही उसका प्रयोग किया। सुरखाब एक बहुत ही खूबसूरत पक्षी और नायाब पक्षी होता है, तो उसके पर भी उतने ही नायाब होते हैं। तो अगर आप में बहुत कोई खास बात हो तभी आपको सुरखाब के पर लगे हुए कहा जाता है। एक और किताब कबीर संजय की है, सुरखाब के पंख। इसमें ये कहानियां, इस पर बहुत चर्चा हुई स्याही के में, सुरखाब के पंख। और बात में एक और सवाल जो मुझे, जब मैंने इसके ऊपर जो लिखा है वो पढ़ा तो मैं मन उचाट हो गया, मुझे लगा ये कहानियां मैं ना पढ़ूं। उसमें लिखा है, कहानियां जो आम भारतीय जीवन की रोजमर्रा की सच्चाइयां हैं, सच्चाइयां नहीं लिखा, एक चार मिसिंग गायब है, सच्चाई ऐसी ही चीज है, कुछ ना कुछ गायब रहता है, पूरी सच्चाई नहीं लिख सकती है। आम भारतीय जीवन एक भारतीय ने लिखी है तो भारतीय जीवन पर ही होगी, अगर वो किसी नहीं, ये प्रकाशक ने लिखा है ना, किसी और जीवन पर होती तो लिखने की बात थी। फिर इसके अंदर फ्लैप पर लिखा है, विवरण बहुल कहानियां। अब मुझे एक चीज जिससे बहुत ही मैं परेशान होती हूँ, विवरण है, मगर क्योंकि इसमें से एक कहानी मेरी पहली पढ़ी हुई थी, कथई नीली धारियों वाली कमीज, उस पर मैंने अल्पना को बहुत बधाई भी दी थी और बात भी की थी, इसलिए मैंने पढ़ना शुरू किया। ये विवरण बहुल बिल्कुल है नहीं, और ये रोजमर्रा की सच्चाइयां भी नहीं है, इसमें लेखक की निजी दृष्टि है, और लेखक की निजी दृष्टि से देखी हुई, आप उसको सच्चाई कहें, आप उसको यथार्थ कहें, आप उसको खौफनाक मंजर कहें, आप उसको कल्पना कहें, जो चाहे कहें, वो लेखक की दृष्टि से देखा हुआ है। ये जो पहली कहानी स्याही में सुखार के पंख, उस पर बहुत चर्चा हो गई, बहुत विवरण बहुल चर्चा हो चुकी। मैं वो जो है कहानी, उसमें जो बहुत खास बात है वो है ब्लैक ह्यूमर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे, विद्रूप कहेंगे। वो पूरे समय एक कटाक्ष इतनी ज्यादा बदहाल लोगों के बारे में है, इतनी त्रासद स्थितियों के बारे में है, और पूरा समय कटाक्ष करती चलती है। वो एक ब्लैक ह्यूमर है जो पूरी कहानी में आपको नजर आता है, और फिर लगता है कि जैसे खुद लेखक उस ब्लैक ह्यूमर से इस कदर आतंकित हो गया कि उसने एक फैंटेसी रच डाली उससे निजात पाने के लिए, और उससे निजात फिर उस फैंटेसी के माध्यम से ही पाई जा सकी, उस अपने स्थितियों में अपनी सच्चाइयों में निजात की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक वैशाली लड़की प्रेम करके चली गई, वो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, सत्ता और ज्ञान की तो वहां बात ही नहीं है, सब लोग हिंसा की बात कर रहे हैं, मैं जहालत की बात करना चाहती हूँ। जो अल्पना मिश्र की कहानियों में एकदम उठकर नजर आता है वो हिंसा ही नहीं है, जहालत है। जो सोमपति बहन जी है वो ज्ञान की कहां से, एक स्कूल में टीचर है, वो न्याय जाहिल औरत है। जो सबसे कहानी भयावह कहानी है संकलन की, वो नील है, नीड़ में वो आदमी हिंसक नहीं, महाजाहिल है, मतलब जाहिल, जहालत के साथ हिंसा मिली होती है, जहालत से उपजी हिंसा होती है, सिर्फ सत्ता से उपजी हिंसा नहीं है। ये जहालत की जो तस्वीर इन्होंने खींची है वो बहुत कम देखने में आती है। और वो सही बात है कि स्याही में सुखाब के पंख, वो जब सिर्फ सब अमानवीय है, उसमें जितने चरित्र हैं, जितनी स्थितियां हैं, सब अमानवीय है। मानवीय क्षण तभी आता है जब प्रेम का क्षण भर को, उसको सेक्सुअलिटी कहना चाहिए, प्रेम कहना नहीं चाहिए, मगर क्योंकि हिंदी में प्रेम कहा जाता है इसलिए प्रेम कह देती हूं, जब सेक्सुअलिटी का उद्भव होता है एक स्त्री और एक पुरुष के बीच, तब स्पंदन होता है, तभी मात्र मानवीयता आती है। और वो मानवीयता सबसे ज्यादा दिखाई देती है कथई नीली धारियों वाली कमीज में। और हिंसा की बात जब होती है तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, ये बड़ा अजीब पद है, बहुत ही नकारात्मक पद है, स्त्री के प्रति हिंसा। इतनी बलात्कृत स्त्रियां हो गई
एक दिन में इतने बलात्कार स्त्री के होते हैं, माने करता कोई नहीं, स्त्री के प्रति हिंसा होती है, करता कौन है उसकी कोई बात नहीं करता। बलात्कार स्त्री का होता है, करता कौन है उसकी कोई बात नहीं करता। ये निहायत नकारात्मक पद है, निहायत पैसिव पद है, और ये स्त्री का उसी तरह शोषण करता है जिस तरह बलात्कार और हिंसा, क्योंकि ये स्त्री को पैसिव बनाता है कि स्त्री के साथ हिंसा होती है, कौन हिंसा करता है उसकी तो बात करो। इतने बलात्कारी होते हैं कोई नहीं कहता, ये कहता है इतने बलात्कार होते हैं स्त्री के साथ। इस पूरी सोच को हमें कहीं बदलना होगा, मैं मानती हूँ। ये जो इसमें जो कविता की बात कह रही है, वो मुझे लगता है कि जब अल्पना अपने जाहिल पात्रों से और जहालत से उत्पन्न हिंसा से खुद परेशान पछेमान हो जाती हैं, तब वो उन समय को पकड़ती हैं, और समय को पकड़ने में वो अल्फाज उनके भीतर से आते हैं जो हमें कविता मालूम पड़ते हैं। इसमें एक यही जो कथई नीली धारियों वाली कमीज है, उसमें एक संवाद है, मैं पढ़ती हूँ वो। बढ़े हुए हाथ अपने आप मिले और देर तक मिले रह गए। संवाद आपस में दो जनों का नहीं है, लेखक से लेखक का संवाद है। बढ़े हुए हाथ अपने आप मिले और देर तक मिले रह गए। गर्म जोशी, आत्मीयता, मिठास, पता नहीं क्या था। फिर हम अपने आप आमने सामने की कुर्सियों पर बैठ गए, फिर हम मुस्कराने लगे। सारे समय को पार करते हुए किसी पुराने समय की तरफ निकल पड़े हैं। कौन कहता है कि पीछे लौटना मुश्किल होता है, कौन कहता है कि पीछे लौटना मुश्किल होता है। ना पीछे लौटना मुश्किल होता है, ना आगे भविष्य में जाना मुश्किल होता है। ये जहालत है कि हम वहीं अटके रहते हैं जहां हैं, नहीं तो हम बीत गए को और आने वाले को अपने में समेट कर चले, और अपने को समेट पर कर चलेंगे तो कोई हिंसा हमारे साथ हो नहीं पाएगी। कौन कहता है पीछे लौटना मुश्किल होता है, हम तो चंद सेकंड में वर्षों का फासला तय करके पीछे चले गए हैं। चार वर्ष को इतना लंबा वक्त भी नहीं, शायद शायद बार बार आता है अल्पना की रचनाओं में शायद, और यही शायद है जो उन्हें बचा ले जाता है। यही कारण है कि विमर्श उन पर लागू नहीं होता। मजे की बात यह है कि हम खुद ही कहते हैं, खुद ही हम घरौंदा बनाते हैं और खुद ही तोड़ देते हैं। खुद ही आलोचक कहते हैं ये स्त्री विमर्श की कहानियां, फिर खुद ही आलोचक कहते हैं कि नहीं जी ये स्त्री विमर्श की कहानियां नहीं है। अल्पना ने तो नहीं कहा कि ये स्त्री के बारे में कहानियां है, ये स्त्री पर हिंसा की कहानियां है। आप ही लोगों ने कहा कि स्त्री के प्रति हिंसा की कहानियां है, फिर आप ही लोगों ने कहा कि ये सिर्फ इतना नहीं है। तो हम इसको लाए क्यों बीच में, स्त्री को हम माध्यम बनाते क्यों है बार बार, एक पैसिव माध्यम। मुझे उससे एतराज है, स्त्री भी है उसमें पुरुष भी है, पुरुष उतना ही जाहिल है, स्त्री भी उतनी ही जाहिल है। जो हिंसा कर रहा है वो सिर्फ पुरुष नहीं है, वो स्त्री भी है। सोमपति बहन जी पुरुष नहीं है मगर जाहिल जरूर है। चार वर्ष को इतना लंबा वक्त भी नहीं, शायद अभी नहीं लग रहा पर होता है, होता ही है ये मैं जानती हूं। श्रीपत भी जानता होगा शायद, शायद यहां शायद पर आकर बात हमें पता चल जाता है कि कहानी किधर जा रही है। और बहुत ही महीन धागों से बुनी हुई कहानी है ये और एक नीड कहानी, और फिर एक वो सुनैना तेरे नैन बेचैन, जिसमें अनकहा बहुत कुछ रह जाता है। मेरे मन में आ रहा था कि काश स्याही में सुरखाब के पंख पूरी की पूरी फंतासी की तरह लिखी गई होती, सिर्फ आखिर में जाके वो स्टेशन पर नहीं खड़ी होती, पूरी की पूरी फंतासी की तरह लिखी जाती तो एक नायाब विश्व स्तर की रचना होती, मगर वो यथार्थ में बहुत आकर्षण होता है, बड़ा प्रलोभन होता है यथार्थ का। यथार्थ को हम छोड़ना नहीं चाहते, यथार्थ का अतिक्रमण करने में बहुत रोमांच भी है, डर भी है, उसी डर से डर कर हम यथार्थ को पकड़े रहते हैं। और मैं चाहती हूं कि अगली कहानियों में अल्पना उस डर को छोड़ दें और पूर्णतया एक फंतासी रचे, जिस फंतासी की नींव कथई नीली धारियों की कमीज में पड़ चुकी है, सुनैना तेरे नैन बेचैन में भी पड़ चुकी है। और इसी के साथ मैं बस